अपनी बेटी के लिए जागरण करवाने का मन्नत है उनकी। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये ब्लॉग सैटरडे का है, तो बस इस ब्लॉग को मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस ब्लॉग को मैंने एंड किया था। सारी घर की साफ़ सफाई करके मैं नहा ली थी, उसके बाद जस्ट मैंने पूरा घर का जो बाहर का फ्रेम है और गणपति जी के आसपास की जगह और गणपति जी की मूर्ति सब मैंने क्लीन कर ली थी, तो बाहर और अंदर दोनों ही जगह गणपति जी की मूर्ति लगाई हुई है और अच्छी तरीके से क्लीन कर दी, तो सब कुछ मतलब पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी सैटरडे वाली डीप क्लीनिंग। उसके बाद मैं बस घर की साफ़ सफाई करके नहा तो मैं ली थी और आलू सुबह जब खिचड़ी बनी थी उसी टाइम पे बॉईल कर लिए थे, क्योंकि दाल चावल चोखा भी बना था, खिचड़ी भी बनी थी थोड़ी सी, उसी टाइम बॉईल कर लिए थे। और हमारा सैटरडे स्पेशल जो होता है रात को वो होता है आलू का पराठा, तो बहुत दिन के बाद बन रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा देसी घी लिया है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, और गैस इस टाइम पे बिल्कुल स्लो रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा। और उसके बाद में बस ये मसाला हल्का सा भुन गया है, एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। बस उसमें जो बॉयल आलू है उसको पहले से ही मैश करके रखिए और इसको ज़रा सा एक मिक्स देके हिसाब से नमक डालिए, और नमक इस हिसाब से डालिए क्योंकि आटे में भी नमक रहेगा। और ढेर सारा डाला है मैंने हरा धनिया, तो यहाँ आलू का मसाला बनके रेडी है। अब आप इसको आलू के पराठे में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ट्रैवलिंग वगैरह में या बच्चों के टिफ़िन, हस्बैंड के लंच बॉक्स में, किसी में भी आप इस सब्ज़ी को दे सकते हैं। बस उसमें आप क्या कीजिएगा कि उसको पीसेज में आलू को कट कर लीजिएगा, यानी कि बॉयल आलू को, तो वो एक सूखी सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी वाली सब्ज़ी बन जाएगी। यह मसाला बनके हो गया था रेडी और बना रही हूँ चटनी। तो ये जो जड़ है हरे धनिया की, ये चटनी में ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा खिल के आता है, निखर के आता है। ढेर सारा लिया है हरा धनिया क्योंकि चटनी स्टॉक करनी है मुझे फ्रिज में, और थोड़ा सा जीरा डाला है। और ये देखिए लहसुन इतने सारे छिले हुए रखे हुए हैं, तो कितना आसान है, बस डब्बा खोलो और डालो। तो इस 10 से 12 कली लहसुन की डाली है मैंने, 3 से 4 हरी मिर्ची, और इसमें डालूंगी हिसाब से नमक और एक छोटा सा टमाटर डाल रही हूँ मैं, बस एक ही डाल रही हूँ। ये देसी टमाटर है जो बहुत ज़्यादा लाल लाल रहता है, वो नहीं है, इसमें रस ज़्यादा रहता है। तो बस एक टमाटर और हिसाब से नमक और एक नींबू का रस, और इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो मैं अभी डालूँगी, उससे जो चटनी में टेस्ट निखर के आता है तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी लगती है। और इस चटनी को आप 10 से 12 दिन नहीं 15 दिन एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। एक चम्मच के करीब मैंने डाला है कच्चा सरसों का तेल, ये है इसका की इंग्रेडिएंट। तो बस चटनी को मैंने पीस लिया था और ये वाले एयरटाइट कंटेनर में मैंने डाल के रखा है। अभी भी जैसे कि एक या डेढ़ चम्मच चटनी अभी बची हुई है, तो कुछ भी जैसे कि खाना बना लो तो साइड डिश में काम आ ही जाती है, और स्पेशली दाल चावल पराठे के साथ तो अच्छी लगती ही है। सो बस यहाँ चटनी भी बन गई थी, आलू का मसाला हो गया था, उसके बाद आटा भी गूंद लिया था, तो यहाँ बस मैंने आलू के पराठे भरे हैं और संध्या मासी ने सेक दिए थे। सो ये वाला जो तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ पराठे भरने का, यानी कि कोई भी भरवा पराठा स्टफिंग वाला आप बनाएं, तो बीच में इस तरीके से स्टफिंग को रखिए। स्पेशली आलू का पराठा ज़्यादातर फट ही जाता है, बट ये जो इस तरीके से पोटली बना के और एक्स्ट्रा आटा निकाल दीजिए, इससे क्या है कि पराठे में बीच में जो मोटा आटा, जिसको गट्टा टाइप आटा होता है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा, हर तरफ से बीच में से भी एकदम एक समान रहेगा,
पराठा, ना कहीं से ज़्यादा मोटा और ना कहीं से ज़्यादा पतला, और बेल भी बहुत अच्छे से पाएंगे और फटेंगे भी नहीं। तो बस इस तरीके से आलू के पराठे बहुत इजीली बन जाते हैं। और ये वाला जो मसाला बनाती हूँ मैं, इसका टेस्ट आलू के पराठे में बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं है, बेसिक से मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें ज़्यादा मैंने डाला नहीं है। तो बस यहाँ पराठे सिक गए थे और आलू के पराठे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो ये था हमारा सैटरडे का हमारा डिनर। तो बस ये होने के बाद में फिर एक एक करके सारे ही पराठे हमने बना ही डाले, क्योंकि फिर बस बन रहे थे तो उस टाइम खा लो तो ठीक है, नहीं तो फिर ठंडे पराठे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और दो जन ने मिल के मतलब पराठे बनाए तो फिर जल्दी बन भी गए। वही है, दो से भले चार हाथ तो काम भी जल्दी हो जाता है। और ये वाला जो तवा आप देख रहे हैं, ये मेरा 4 साल पुराना तवा है, तो इसमें जो साइड की जो किनारी है ये काली पड़ जाती है। तो एकदम गरम गरम में ही इसको पूरा अच्छी तरीके से रिगड़ के माँज दो तो फिर साफ़ हो जाता है। फिर वही है कि फिर पराठे या कुछ बनता है तो फिर वैसे ही हो जाता है, लेकिन ईजी टू यूज़ है, मतलब सही है डेली के लिए, ये तवा अच्छा है। और बस यहाँ सारा काम हो गया था और सब खा पी के अपने अपने रूम में चले गए थे। मैं यहाँ फाइनली जो मेन डोर है उसको डबल लॉक लगा के और फिर उसके बाद बैठ के मैंने किया है अपना काम। और अब तो यही मेरा मी टाइम होता है, ये समय सिर्फ मेरे लिए खुद के लिए होता है, तो यही मेरा मी टाइम है। बस इसके बाद काम करके फिर तो मैं जाके सो जाती हूँ, तो रात के 1:30 से 2 तो बजते ही बजते हैं रोज़। तो अब जाके सारा काम हो गया है, खाना वाना सबका हो गया, और शायद 9:30 बजे का टाइम हो रहा है रात का। तो एस्ट्रो को भी नीचे घुमाना हो गया, वो तो खाना खिलाने से पहले ही मैं नीचे घुमा के उसको ले आई थी। तो तकरीबन 40 मिनट की वॉकिंग डेली सुबह और डेली शाम को एस्ट्रो के साथ मेरी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। सो आलू के पराठे बनाए थे बहुत दिनों के बाद में। वैसे तो सैटरडे बनता ही था शाम को, बट इन दिनों इतनी ज़्यादा बिजी थी कि बना नहीं पाई काफ़ी दिनों से। सो आज फाइनली बनाया। सो मम्मी चली गई हैं सोने, तो मम्मी तो तकरीबन 1 घंटा पहले ही गई थी सोने के लिए, और चीची और एस्ट्रो अंदर हैं। बस मैं यहाँ थोड़ा अपना काम करूँगी, और कल हमें जाना है जागरण में, तो मनीषा के मायके में जागरण है। वैसे मनीषा अभी मायके अभी थोड़े दिन से रुकी हुई है, अब तो ये लोग जैसे कुछ दिनों के बाद वापस चले जाएंगे। तो नीलू और मनीषा का ही बोला हुआ है अपनी बेटी के लिए जागरण करवाने का, मन्नत है उनकी। तो श्याम बाबा जी का जागरण है, तो उसी में जाना है कल शाम को। सो दीदी भी आ रही हैं, तो सब इकट्ठे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। मैंने दीदी को बोला है कि 1-2 दिन यहाँ पे रुकने के लिए, रुकती नहीं है ज़्यादा, तो वही मैंने बोला कि गृह प्रवेश के टाइम आई थी तब भी सिर्फ 1 ही दिन रुकी थी। तो बस कल जाएंगे शाम को, अब मैं थोड़ा सा अपना काम करके और फिर मैं भी सो जाऊंगी। वही है, सोने में थोड़ा टाइम मुझे हो ही जाता है। सो चलिए अब लगूंगी अपने मोबाइल में काम में, मिलूंगी आपसे कल यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड नाइट। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि संडे की सुबह। तो सारे ही काम मैं कर चुकी हूँ सुबह से, और संडे मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था। और उसके बाद मैं फिर ये मैंने पहनी है, ये बिल्कुल न्यू गाउन है, बिल्कुल फील इसमें नाइटी जैसा आ रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल। तो कितने की है, कहाँ से मंगाई है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मीशो से मंगवाई है, एंड आपको पता है कि ये कितने की आई है, सिर्फ और सिर्फ 412 रुपये की। बहुत अच्छा कपड़ा है, आई थिंक रेयन है ये, मगर बहुत कंफर्टेबल है और फिटिंग्स भी बहुत अच्छी आई है। जस्ट लाइक एकदम ऐसा फील हो रहा है जैसे नाइटी पहनी है, अच्छी लग रही है।
एंड कलर भी अच्छा है। बस सुबह से उठ के बहुत बहुत सारे काम किए हैं और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बस पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। पूजा करने के बाद एस्ट्रो को भी खाना देना है, खुद मेडिसिन लेनी है और नाश्ता करना है, फिर खाना बनाना है। तो अभी बहुत सारे काम है। खाना ऐसा इतना कुछ नहीं बनाऊंगी, एक सब्जी उसके साथ रोटी पराठा जिसको खाना होगा वो, क्योंकि शाम को हम लोगों को श्याम बाबा जी के जागरण में जाना है। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और शाम को हम लोगों को जागरण में जाना था, श्याम बाबा के जागरण में। तो नीलू और मनीषा ने ही जागरण रखवाया था, क्योंकि किक्की जब ज़्यादा बीमार हो गई थी, यानी कि जो मेरी पोती है वो ज़्यादा बीमार अभी बीच में पड़ गई थी, तो फिर इन्होंने मान्यता की थी कि बच्ची बिल्कुल अच्छी हो जाएगी तो फिर जागरण करवाएंगे। और जागरण में हम गए भी हैं और बहुत ही अच्छा जागरण करवाया, बहुत अच्छे, मतलब जो गाने वाले आते हैं भजन वो भी बहुत अच्छे आए थे। तो कुल मिला के खाना पीना भी सब कुछ बहुत अच्छा था। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। तो पूजा तो यहाँ हो गई थी संपन्न, और उसके बाद में जो घर में पूरे में धूप घुमाती हूँ मैं, वो भी यहाँ कंप्लीट हो गया था। और ये जो मेरी धूपदानी है ना, इसका एक साइड का जो कब्जा है जिससे ये अटैच रहती है वो निकल गया है। तो अब मतलब थोड़ी टेढ़ी टाइप की हो गई है ये। अब मैं फिर से एक धूपदानी मंगाऊँगी, और इसमें सोच रही थी कि ये क्या बोलते हैं उसको, फेविक्विक लगा दूंगी तो ठीक हो जाएगा, बट वो तो फिर पूरा ही एकदम मतलब जाम हो जाएगा, फिर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा ठीक से, तो फिर नया ही मंगाना पड़ेगा। और यहाँ लगा रही हूँ कपड़े। कपड़े आज इतने ज़्यादा हैं क्योंकि कल सारी बेडशीट भी चेंज हुई थी, फिर जो ओढ़ने वाली चादर है वो भी एक दो इसमें है, और जो नॉर्मल डेली वेयर के जो कपड़े वगैरह रहते हैं वो तो हैं ही रोज़ वाले। आज इतने कपड़े हैं कि ऐसे लग रहा है कि शायद तीन बार मुझे तीन बैच अलग अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सा भी एक दो कपड़ा ज़्यादा इसमें डाल दो तो काम तो बन जाएगा मगर मशीन ख़राब हो जाएगी। ओवरलोड करने के लिए बिल्कुल मना किया है। और थोड़ा ज़्यादा कपड़ा हो जाए ना तो ऐसे 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 पूरा हिलने लगती है, तो ये भी दिक्कत है, इसलिए तीन से चार बार मैं लगाऊंगी, छत पे सुखाऊंगी जाके। इतनी बड़ी बड़ी चादर है, डबल बेड की किंग साइज, मैंने चादर ही लगाती हूँ। और सुबह के जितने भी काम होते हैं, स्पेशली जो थोड़ा साफ़ सफाई का काम है, नहा के पूजा पाठ करना है और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने हैं, वो तो चलो वॉशिंग मशीन है तो धुल जाते हैं, अदरवाइज़ जब नहीं थी तब हाथ से ही धोया करते थे। तो बस ये जैसे कि ये सब जो सुबह के काम रहते हैं ये हो जाते हैं, तो 100 में से 75% काम जो है वो निपट ही गए समझ लीजिए। तो बस मुझे बनानी थी एक सब्जी और रोटी, क्योंकि शाम को हमें जागरण में जाना ही था। तो बस यहाँ आराम से लेकर बैठी अपनी चाय, और चाय के संग मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन से चार बिस्किट ले लिए थे, वो शुगर फ्री वाले जो बिस्किट होते हैं, तो यही मेरा नाश्ता था। ना मैंने रोटी खाई थी, ना मैंने सत्तू पिया था, ऐसा मन नहीं था मेरा। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता तो हो गया था, उसके बाद यहाँ मैंने चढ़ाई है
पालक पनीर की भुजिया। मेरे पास पालक बहुत ही कम क्वांटिटी में था, तो पनीर को मैंने थोड़ा बढ़ाया और थोड़े मसाले बढ़ाए। और अगर आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, ऐसे ही बहुत अच्छी बनती है। तो सरसों का तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा सा यानी कि 15 से 20 कली लहसुन और हरी मिर्ची चिली कटर में करके डाली है, और ये दो टमाटर हैं इसको मैंने चॉपर में करके डाला है। तो बस अच्छी तरीके से ये भुन जाए तब तक ही मुझे भुनना है। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, थोड़ा कलर जैसे अच्छा लगता है पालक पनीर में हल्दी का। और थोड़ी देर ढक दिया था मैंने, डेढ़ से दो मिनट स्लो गैस पर, और टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इसके बाद मैं डाल रही हूँ पालक। तो पालक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा ये टमाटर वगैरह डाल के बढ़ा दिया, और हल्की सी ढील ढीली टाइप की जो सब्ज़ी होती है, थोड़ी हल्का ग्रेवी, तो उससे क्या है कि रोटी भी बहुत अच्छे से खाना हो गया। तो पराठे भी बनाए थे मैंने, रोटी भी बनाई थी। सो यहाँ पालक डाल के ऊपर से हल्का सा मैंने नमक डाला है, और डाल के फिलहाल के लिए मैं ढक रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पनीर। और पालक ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, और मुझे सब्ज़ी पूरी सूखी बनानी भी नहीं थी, तो बस इस टाइम पे मैंने डाला पनीर। और इसको मैंने थोड़ा हाथ से तोड़ लिया है, कुछ कुछ टुकड़े जैसे मोटे मोटे हैं और बाकी को मैंने मैश किया है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा ढीली ढीली सब्ज़ी बनाऊंगी, और ये सब्ज़ी ट्रस्ट मी गाइज आप बना के ट्राई कीजिएगा, ये एक ही सब्ज़ी अपने आप में कम्प्लीट मील है, बहुत टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है। तो बस हिसाब से नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा कम था सो नमक बैलेंस किया है मैंने, और उसके बाद मैं दे रही हूँ एक मिक्स। और पालक पनीर की भुजिया हो या पनीर या पालक का कोई भी आइटम, उसमें गोल मिर्ची पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर डालिएगा। वैसे तो मैं सूखी वाली भुजिया भी बनाती हूँ, बट ये थोड़ी ग्रेवी वाली मैंने बनाई थी। और एक डेढ़ मिनट के लिए ढक दिया था, फिर ढक्कन खोल के मैंने इसमें एक छोटा चम्मच देसी घी का डाला है, इसका टेस्ट अच्छा आता है इसमें। और डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अब ये बन के पूरी डन है, बस वही है कि पालक कम था और खाने वाले 3-4 लोग थे, तो बस इस तरीके से बना लिया, तो इजीली सबको हो भी गया और कम भी नहीं पड़ा। सो ये था हमारा लंच, पालक पनीर की भुजिया और पराठा। शाम के 6 बज रहे हैं, चाय बना के पीना हो गया है, और बस अब मुँह हाथ धो के और साड़ी पहन रही हूँ, जागरण है तो सोच रही हूँ कि साड़ी ही पहन के जाऊँ। मम्मी भी रेडी हो रही हैं दूसरे रूम में, तो मैं, मम्मी और दीदी आ रही हैं अपने घर से, वहाँ से तो उनका घर तो काफ़ी दूर है, आने में भी टाइम लग जाएगा। सो साड़ी जब चूज़ करती हूँ तो वही थोड़ा तो ये रहता है कि पता नहीं कौन सी पहनूँ कौन सी पहनूँ। साड़ी पहनने के नाम से मतलब ऐसे लगता है कि नहीं साड़ी नहीं पहननी है। फिलहाल साड़ियाँ ऐसे ही रखी हुई हैं तय करके, और एक पैकेट ये आ गया है, इसको क्या बोलते हैं, हैंगर, तो एक पैकेट आया है, दो पैकेट और मंगाए हैं ताकि एक एक साड़ी एक एक हैंगर में हैंग करके लगा सकूं, क्योंकि एक हैंगर में दो साड़ी लगाते हैं तो वो अच्छे से मतलब रहती नहीं है, फिसल फिसल के गिर जाती है। फिलहाल ये साड़ियाँ हैं, मैंने तय बना के ऐसे रखी हैं, दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से, अभी ये तय बना के ये रखी हुई है। अब कौन सी पहनूं बस वही मैं सोच रही हूँ, बस इतनी साड़ियाँ मेरे पास में हैं, 2-3 नई हैं जिनका ब्लाउज अभी सिलाया नहीं है मैंने, अब देखती हूँ कौन सी पहनती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। अच्छा ये साड़ी देख के आपको याद आया कि मैंने कब दिखाई आपको ये साड़ी, मैंने एक साथ 3 से 4 साड़ियों का हॉल किया था और आपको सब शेयर किया था साड़ी के बारे में, और ये साड़ी मुझे कॉलेब्रेशन में ही आई थी, तब से मैंने इसको संभाल के ही रखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत साड़ी है, हैवी लुक है बट लाइट वेट है, तो बस यही मैंने कैरी की थी। और इसके बाद मैं और मम्मी निकले थे जागरण में, और दीदी आई थी अपने घर से, और ये देखिए 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी जो मैंने आपको दिखाई वो कंगन मैंने वेयर किया, तो वहाँ भी सब पूछ रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है कंगन कहाँ से लिया, तो ये ज्वेलरीज अच्छी लगती हैं। तो ये साड़ी तो मैंने पहनी थी,
और हमारी मम्मी ने पहनी थी, ये ग्रे टोन में साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से जागरण में। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग, जो कि जागरण का व्लॉग है।